डियर स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट वन का आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 9.1 है। एक्सरसाइज 9.1 के पहले तीन हमें क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, पॉइंट थीटा व्हेन एल इक्वल 1.5 सेंटीमीटर, आर इक्वल है 2.5 सेंटीमीटर। कि हमने थीटा जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है, लेंथ दी गई है 1.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। तो आप सबको पता होगा कि एल इक्वल आर थीटा हमारे पास फार्मूला होता है, तो एल की वैल्यू क्या दी गई है 1.5 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू क्या दी गई है 2.5 सेंटीमीटर और थीटा हमने फाइंड आउट करना है। अब ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0.6 रेडियंस की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, उसका सेकंड पार्ट है फाइंड एल व्हेन थीटा की वैल्यू क्या है 65 डिग्री 20 मिनट और आर रेडियस क्या दिया गया 18 मिलीमीटर दिया गया है। थीटा इक्वल है 65 डिग्री 20 मिनट के, तो पहले आपने क्या करना है कि डिग्री को रेडियन में लेके जाना है, तो यहाँ पे मिनट भी दिया गया है, तो पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट से डिग्री में जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 60 के साथ डिवाइड करवाएंगे, तो यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद 1 ओवर क्या आ गया 3 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया है कि इसका एलसीएम ले, तो एलसीएम क्या आएगा 3 आ जाएगा, 3 को 65 से मल्टीप्लाई करवाएं 195 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास 196 ओवर 3 आ गया। ये तो पहले हमने क्या किया कि एंगल को डिग्री में लेके गए हैं, अब डिग्री से आपने जाना है रेडियन में, तो रेडियन में जाने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन के बाद ये हमारे पास वैल्यू आई है। तो यहाँ पे ये जो पाई है, पाई की जगह पे 3.1428 इसकी वैल्यू पुट आउट करेंगे, तो हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन थीटा इक्वल आया 1.14028। अब हमने फाइंड यहाँ पे क्या करना है, एल को फाइंड आउट करना है, लेंथ को फाइंड करना है, एल इक्वल है किसके आर थीटा के, एल इक्वल आर की वैल्यू हमारे पास है 18 मिलीमीटर और थीटा की वैल्यू है 1.14028, तो मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारे पास एल की वैल्यू क्या आ गई 20.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, वो आप सब स्टूडेंट्स ने खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ 45। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है कि लेंथ आपने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमने लेंथ को फाइंड आउट करना है और हमारे पास रेडियस क्या दिया गया 14 सेंटीमीटर हमारे पास जो है रेडियस दिया गया है और सेंट्रल एंगल हमारे पास क्या दिया गया है 45 हमारे पास सेंट्रल एंगल दिया गया है, तो थीटा इक्वल है 45 डिग्री के, तो पहले हम डिग्री को किसमें कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो रेडियन में जाने के लिए हमने पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लीकेशन करवाई है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आंसर क्या है 0.7854। अब हमें यहाँ से लेंथ को फाइंड आउट करना है, तो एल इक्वल है आर थीटा के सेम वही हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा, एल इक्वल है 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में जो हमारे पास थीटा की वैल्यू है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर क्या आएगा 10.99 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी, अगर क्लियर ना हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।